अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने को हैं, दैट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के जो स्टार्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था दैट वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो हम बेसिकली प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं कि जब हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमने उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आवर वेरी फर्स्ट स्टेप वाज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वो हमने उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। देन वी हैड सेकंड स्टेप दैट वाज एल्गोरिदम, ठीक है। और अब एल्गोरिदम के बाद थर्ड स्टेप है दैट इज़ दी फ्लो चार्टिंग, कि हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि ये सारे स्टेप्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सारे के सारे पेपर वर्क में आते हैं और ये प्लानिंग स्टेज में आते हैं, ठीक है। ये हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारे पेपर वर्क में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो एल्गोरिदम्स की बात हमने की थी, तो आई हैव रिटन वन एल्गोरिदम फॉर यू ओवर हेयर। तो बेसिकली ये एल्गोरिदम पढ़ तो हम फ्लो चार्ट रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एल्गोरिदम के बारे में और समझाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, ताकि इसी की बेस पे जब आप फ्लो चार्ट पे कन्वर्ट हों, इसी की बेस पे जब आप फ्लो चार्ट को पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका जो एक एल्गोरिदम था जिसमें आप लोगों ने एक सीक्वेंस गिवन था, और उस सीक्वेंस में आप लोगों ने जो है प्रिंट करना था सीक्वेंस को, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, माइनस 3, माइनस 6, ये वो वाला एल्गोरिदम है। लेकिन मैंने इसको लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स इनकी कैटेगरी होती है। हर एक स्टेटमेंट को हम डिफरेंटली देखते हैं। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक इनपुट की है कि k इज़ इक्वल टू 27। यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट में हम इनपुट कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं। तो ये वाली हमारी जो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये हमारी एक इनपुट स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है। ये इनपुट टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, या हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, या हम स्टार्टिंग वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगी, वो इनपुट स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। फिर ऐसी स्टेटमेंट्स, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि इस स्टेटमेंट में हमने जो वैल्यू के को दी थी, जिससे हमने के को इनिशियलाइज़ किया था, हम उसको स्क्रीन पर शो करवा रहे हैं, आउटपुट शो करवा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड आउटपुट स्टेटमेंट। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम रिजल्ट शो कर रहे होंगे, हम आउटपुट शो कर रहे होंगे, वो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो तीसरी टाइप की, ये दो टाइप्स की स्टेटमेंट्स होगी, हमारी इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं। अब हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कि जहाँ पर हमारे पास कोई कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग हो रही होती है। लाइक अगर हम कहते हैं कि किसी और प्रोग्राम में, एल्गोरिथम में हमने देखा था कि सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हम यहाँ पर सम करवा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन करवा रहे हैं कि के की कोई भी वैल्यू है उसमें से माइनस थ्री करना है, तो ये हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर प्रोसेसिंग जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होगी, ऐसी स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगी, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आ गई, पहली हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट, देन आउटपुट स्टेटमेंट, और फिर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होगी, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट कहलाएगी। देन स्टेप फोर में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ़ है, इफ़ इज़ अ डिसीजन मेकिंग, कि जहाँ पर हम डिसीजन जो है वो हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं, कि हम कहते हैं कि मैंने बाज़ार जाना है कि नहीं जाना है, मैं ये कपड़े पहनूं या मैं ये ड्रेस पहनूं या मैं ये ड्रेस पहनूं, तो हमें यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम एक डिसीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इफ़ वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस एल्गोरिदम के अंदर, और यहाँ पर हम उसके आगे कंडीशन भी दे रहे हैं कि अगर इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो फिर ये वाला स्टेप हो जाए, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो फिर
ये वाला स्टेप हो जाए, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? ये स्टेटमेंट डिसीजन, डिसीजन स्टेटमेंट कहलाएगी। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम डिसीजन कर रहे होंगे, हम डिसाइड कर रहे होंगे, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड डिसीजन स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास फोर टाइप्स की स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनपुट स्टेटमेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट्स, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन स्टेटमेंट्स। और भी होती हैं लेकिन हमने यहाँ पर बेसिकली इन चार टाइप्स की स्टेटमेंट्स को देखा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये, आपने जितने भी एल्गोरिदम्स जो हैं वो किए हैं उन सब में ऐसी ही स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं, कोई किसी और टाइप की स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, प्रोसेसिंग इनपुट स्टेटमेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट्स, प्रोसेसिंग हो रही है और डिसीजन हो रही है, सब कुछ सारे के सारे एल्गोरिदम्स के अंदर ऐसा ही हो रहा है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? हमारा जो एल्गोरिदम है उसी को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से ही हम फ्लो चार्ट को डेवलप कर रहे हैं, राइट? एल्गोरिदम से ही हम फ्लो चार्ट को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो एल्गोरिदम है जब हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी कैन सी कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। और जब हम उन ऑपरेशन, उन स्टेप्स में से जब हम अपने डेटा को पास करते हैं, देन वी कैन ईजीली सी कि क्या हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लो चार्ट है दैट इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो हमने एक एल्गोरिदम में भी वो सीक्वेंस देखा, अब हम उसी सीक्वेंस को एक पिक्टोरियल फॉर्म या हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम अपने एल्गोरिदम को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या, किन चीज़ों की ज़रूरत है? वी नीड सिम्बल्स, हमने सिंबल्स की ज़रूरत है। हम सिंबल्स को यूज़ करके अपना जो फ्लो अपना जो एल्गोरिदम है उसको एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट या शो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास, हमने देखना यह है कि अब हमारे पास जो एल्गोरिदम है, जो हमारा सॉरी फ्लो चार्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी आर नॉट कन्वर्टिंग आवर एल्गोरिदम डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वाई वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लो चार्ट, हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके जो सॉल्यूशन है उसको अचीव करने में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जब हमारा एक फ्लो चार्ट बन जाता है तो जब हम उसमें से डेटा को पास करते हैं, हम एक सपोज डाटा को उसमें से पास करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या वो डाटा, जो सपोज डाटा है, वो हमें सही रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो हम इजीली वहां पर इन चीज़ों को, एक जब फ्लो चार्ट बन जाता है तो हम इजीली उन चीज़ों को वहां पर देख सकते हैं। ऑलराइट, जो हमारा सब टॉपिक है फ्लो चार्ट्स का, दैट इज़ स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। जब हमने अपने एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट स्टेप्स वी हैव टू डू और व्हाट स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म, तो हमारा फ्लो चार्ट जो है वो बन जाए। देर आर बेसिकली फोर स्टेप्स। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? वी नीड इनपुट टू द फ्लो चार्ट। हमने जब फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है तो उस फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, हमने उसको डिस्कस करना है। द फ्लो चार्ट डेवलपर जो है, जो प्रोग्रामर जो है, जो फ्लो चार्ट को डेवलप कर रहा है, ही नोज एग्जैक्टली कि हमें फ्लो चार्ट में क्या इनपुट रिक्वायर्ड है। ये स्टेप एग्जैक्टली वही है कि जब हम एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं तो एल्गोरिदम में भी हमें पता होता है कि हमें कौन सी इनपुट रिक्वायर्ड है, हमें कौन सी इनपुट जो है वो हमने देनी है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम स्टेप है जो कि हम एल्गोरिदम में भी करते हैं और वही उसी को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। मैंने आपको कहा था कि हम अपने एल्गोरिदम को ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर बेसिकली वही होना है कि जो हमारी इनपुट है, हमने वही इनपुट हमारी फ्लो चार्ट की इनपुट होगी।
ठीक है। तो जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर जो हमारा एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने फारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना था, तो वहाँ पर इनपुट क्या था, वहाँ पर फारेनहाइट टेम्परेचर वाज द इनपुट। तो हमने वहाँ पर, यहाँ पर अगर हम इसी फ्लो चार्ट को लेकर चलें तो यहाँ पर क्या इनपुट है हमारे पास, के इज इक्वल टू 27 के, हमारे पास के की वैल्यू जो है वो हमने 27 प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ दी इनपुट ओवर हेयर। प्रोसेसिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोसेसिंग हमारे पास, हमने अब हमने इस स्टेप को जब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है तो वी नीड अ सिंबल फॉर दिस। अभी हम देखेंगे कि वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, हमने कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमने जो ही आपकी एल्गोरिथम की इनपुट थी, ऑब्वियसली वही आपकी फ्लो चार्ट की इनपुट भी होगी। अब उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करना है, वो विल सी दिस लेटर ऑन। सब हम देखना क्या चाह रहे हैं कि फ्लो चार्ट जो है, जब हम इस एल्गोरिथम की बेस पे ये फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट टू द फ्लो चार्ट, जो कि हमारी एल्गोरिथम की इनपुट थी, वही हमारी फ्लो चार्ट की भी इनपुट होगी। इस तरह से सेकेंडली हमें क्या चाहिए, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है कि हमें देखना है कि हमारे एल्गोरिथम जिसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो लाइक यहां पर कौन सा स्टेप था, ये वाला, यहां पर ये वाला स्टेप था जिसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किसी और एल्गोरिथम की, कि यहाँ पर भी प्रोसेसिंग ही हो रही है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अपने हमारी कोई भी कैलकुलेशन जो होगी उसको हम प्रोसेसिंग, फ्लो चार्ट की प्रोसेसिंग कंसिडर करेंगे। तो कोई फार्मूला भी हो सकता है, लाइक हम कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टू। तो ये जो है, ये क्या है, ये भी एक प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो ये भी जब हम कोई भी हमारा जो कैलकुलेशन होगी तो हम उसको प्रोसेसिंग कंसिडर करेंगे। देन थर्ड इनपुट जो है, जो हमारे एल्गोरिथम के लिए होगी, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास थर्ड चीज़ क्या थी, दैट वाज द प्रोसेसिंग, सॉरी डिसीजन। डिसीजन यहाँ पर ये स्टेप वाइज उस एल्गोरिथम में ये चीज़ें मैंने स्टेप्स डिफरेंट थे कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट थी फिर आउटपुट, लेकिन इसी के मुताबिक हमारे पास फिर प्रोसेसिंग आई, ठीक है, और फिर हमारे पास डिसीजन आया इस एल्गोरिथम के मुताबिक था। लेकिन जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं, एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हम इन चीज़ों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिसीजन, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था कि डिसीजन यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं तो देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस आ गई कि के की वैल्यू जो है या तो वो -6 से बड़ी होगी या वो इक्वल होगी। तो ये हमारे पास एक चॉइस आ गई, मोर देन वन चॉइसेस। तो फिर हमने डिसीजन करना है। तो ऐसे कोई भी स्टेप्स जो के जिसमें हमें डिसीजन करना होगा, वी हैव टू राइट देम इन डिसीजन कैटेगरी में, उसको लिखना है। देन हमारे पास जो फोर्थ है, दैट इज़ आउटपुट, ठीक है, कि हमारे एल्गोरिथम की आउटपुट, जो हमारा फाइनल जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे जो जिस आउटपुट को जहन में रख कर हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट कौन सी है कि जिसके ज़रिए से हम उस आउटपुट को शो कर रहे हैं। तो इस वाली एग्जांपल में तो आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है कि आउटपुट का वर्ड यहाँ पर साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हम के की वैल्यू को स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम जो है वो आउटपुट की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि जहाँ पर हम आउटपुट शो कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हमने आउटपुट वाले कैटेगरी में ही लिखना है। अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट के सिम्बल्स क्या हैं। जी, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास फ्लो चार्ट सिम्बल्स क्या हैं। जब हमने अपने फ्लो चार्ट, अपने एल्गोरिथम को जो जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा जो एल्गोरिथम था, लाइक दिस वन वाज द एल्गोरिथम, तो जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक फ्लो चार्ट में, तो हमने कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने जहन में ये बातें रखनी हैं कि एक एल्गोरिथम को बनाते हुए जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स थी, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट्स थी, कुछ आउटपुट स्टेटमेंट्स थी, कुछ हमारे पास प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स थी, कुछ हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स थी, इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स को अब हम डिफरेंट सिंबल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, हमने कहा जी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इनपुट स्टेटमेंट्स हैं,
कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। तो अब हमने हर एक जो कैटेगरी है, हमने हर एक जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है एक फ्लो चार्ट के अंदर, एक एल्गोरिदम के अंदर, हमने उसी को उसी सीक्वेंस में फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। मींस कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट एक इनपुट स्टेटमेंट है, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक फ्लो चार्ट के अंदर, तो ये इनपुट स्टेटमेंट को हमने इनपुट सिंबल के ज़रिए से ही इस स्टेटमेंट को हमने इनपुट सिंबल में लिख देना है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है तो हमें पता है, अभी हम आगे फर्दर जब हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट सिंबल्स की कौन कौन से हैं, तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि फ्लो चार्ट सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमने इस आउटपुट स्टेटमेंट को आउटपुट सिंबल में ही लिखना है। अगर हमारे पास ये एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है तो हमने प्रोसेसिंग स्टेटमेंट को एक प्रोसेसिंग सिंबल में ही रखना लेना है, ठीक है, उसमें ही लिखना है। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि स्टेटमेंट तो हमारी इनपुट है लेकिन हम उसके लिए जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो एक आउटपुट सिंबल यूज़ कर रहे हैं, या हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है और उसके लिए हम एक डिसीजन सिंबल यूज़ कर रहे हैं। नो, दैट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। हमने अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि हमने एल्गोरिदम के अंदर ये वाली स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है, तो हमें स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, क्या वो एक आउटपुट स्टेटमेंट है, क्या वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है, क्या वो डिसीजन स्टेटमेंट है, हमें इनकी पहचान होनी चाहिए। आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं और वो डिफरेंट क्यों हैं। ये वो डिफरेंट हैं उस ऑपरेशन की बेस पे कि उस स्टेटमेंट के अंदर हो क्या रहा है, क्या उस स्टेटमेंट के अंदर हम कोई वैल्यू साइन कर रहे हैं, क्या उसके अंदर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या हम उसमें कोई आउटपुट को शो कर रहे हैं, या हम उसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या हम किसी स्टेटमेंट में डिसीजन ले रहे हैं। तो इन बेसिस पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। हमने अपने एल्गोरिदम को ही कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट में, तो इन्हीं स्टेटमेंट की बेस पे हमने आगे सिंबल्स भी यूज़ करने हैं। हमने इनपुट के लिए अलहदा से सिंबल यूज़ करना है, हमने आउटपुट स्टेटमेंट के लिए अलहदा से सिंबल यूज़ करना है और वो उसी के लिए होगा। ये जो आपकी कैलकुलेशन वाली स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर कोई प्रोसेसिंग हो रही है, उसके लिए हमने अलहदा से सिंबल यूज़ करना है जो सिर्फ इसी के लिए होगा। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई डिसीजन हो रहा है तो हम उसके अंदर जो सिंबल यूज़ करेंगे वो एक डिसीजन सिंबल ही होगा, ठीक है, हम कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो फ्लो लाइन जो सिंबल यहाँ पर होगा हमारे लिए, हमारे पास दैट विल बी द फ्लो लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास फ्लो चार्ट बनाते हुए डिफरेंट टाइप्स की फ्लो लाइंस होती हैं। इस तरह से एक लाइन होती है और उसके आगे एक एरो हेड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में हम इसको देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, ये टूवर्ड्स द राइट भी हो सकती है, ये टूवर्ड्स द लेफ़्ट भी हो सकती है, एंड इट कैन बी टूवर्ड्स अपसाइड। तो ये ऑल फोर डायरेक्शंस को कवर कर रही होती है। देन हमारा जो फ्लो चार्ट है वो हमेशा एक स्टार्ट या स्टॉप सिंबल से शुरू होता है। देखें हमारे पास, हमने अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपना एल्गोरिदम भी स्टार्ट या स्टॉप से शो किया था। तो यहाँ पर इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो एक इस तरह से ओवल शेप्ड सिंबल जो है वो यूज़ होता है, और इसके अंदर स्टार्ट या स्टॉप, जब हम एक फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे फ्लो चार्ट का स्टार्ट इस सिंबल से होगा और उसके अंदर स्टार्ट लिखा होगा। जब हम अपने फ्लो चार्ट को एंड कर रहे हैं तो फिर सिंबल यही होगा और उसके अंदर स्टॉप लिखा होगा। देन वी हैव इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, अब जब हम अपने एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो इनपुट स्टेटमेंट होगी या जो आउटपुट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, वो जो हैं वो एक ही सिंबल के अंदर लिखी जाती हैं। वो सिंबल कौन सा है? दैट सिंबल इज़ अ पैरेललोग्राम, इस तरह से वो एक पैरेललोग्राम सिंबल है और इसके अंदर हम इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। लाइक हमारे पास जो एल्गोरिदम हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर अगर इनपुट स्टेटमेंट थी कौन सी, लेट के इज इक्वल टू 27, वो भी इसी के अंदर आएगी। जब हम एक आउटपुट को शो कर रहे हैं तो आउटपुट के लिए भी हमारे पास क्या था, उसी एल्गोरिदम में हमारे पास आउटपुट के,
तो वो भी इसी सिंबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल हमारे पास यूज़ होता है। देन वी हैव अदर कैटेगरी, कौन सी थी हमारे पास जिसमें प्रोसेसिंग हमने बात की, ठीक है, हमने प्रोसेसिंग की बात की। साथ में आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि जो हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप सिंबल हैं इनमें से एक ही लाइन जो है वो आउट होती है, ठीक है। स्टार्ट या स्टॉप जो है वो एक ही लाइन हमारे पास यहाँ पर इसमें फ्लो लाइन जो है वो यूज़ हो रही है। जो इनपुट आउटपुट सिंबल होते हैं, अगर ये एक इनपुट सिंबल है तो इसमें एक लाइन, एक फ्लो लाइन इन हो रही है और इसमें से एक जो है वो आउट हो रही है, वन इन वन आउट। इसी तरह से जो हमारे पास आउटपुट है उसमें भी एक फ्लो लाइन इन हो रही होती है और एक फ्लो लाइन आउट हो रही होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग को हम एक रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग के मुझे ये पढ़ाते हुए एक अरसा हो गया है, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इनपुट आउटपुट सिंबल को और प्रोसेसिंग सिंबल को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ये एक पैरेललोग्राम सिंबल है लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये पैरेललोग्राम है और ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये सिंबल जो है ये प्रोसेसिंग सिंबल है जिसके अंदर इसमें भी एक वन इनपुट होगी, ठीक है, और इसकी भी वन ही आउटपुट होगी। एक फ्लो लाइन इसमें इन हो रही होगी और एक फ्लो लाइन इसमें से आउट हो रही होगी और इसके अंदर प्रोसेसिंग मींस के हम कह रहे हैं कि के इज इक्वल टू के माइनस थ्री ये इसके अंदर लिखा जाता है, या हम कह रहे हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी एक प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। वन फ्लो लाइन इन एंड वन इज द आउटपुट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसिंग सिंबल है। देन वी हैव डिसीजन सिंबल, डिसीजन सिंबल। अब ये आपका जो डायमंड शेप सिंबल है जिसको हम रोहम्बस भी कहते हैं, ये एक डिसीजन सिंबल है, राइट। इसके अंदर हम कोई भी, जो हमने बात की कि कोई भी जो डिसीजन वाली स्टेटमेंट है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे वो इस वाले एल्गोरिदम में आप लोगों को याद है कि ये वाली एक डिसीजन स्टेटमेंट थी, ठीक है, हमने इसको डिसीजन स्टेटमेंट कहा था। तो ये डिसीजन है, ये वो चीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास चॉइसेस हैं, यू हैव टू चॉइसेस और उसमें से एक पे आपने प्रोसेस करना है। तो इस वाले प्रोसेसिंग सिंबल में एक इनपुट लाइन आ रही होती है, एक फ्लो लाइन इन हो रही होती है, देन वी राइट द कंडीशन और डिसीजन स्टेटमेंट इन इट। लाइक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसके मुताबिक इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन हो रही है, एक फ्लो लाइन इन हो रही है, अब यहाँ पर इसकी दो आउटपुट होंगी। ज़ाहिर है कि आपको याद हो तो हमने यहाँ पर देखा था, इस वाले फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6 देन, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब है कि इसकी दो आउटपुट हुई, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है मींस कंडीशन यस होती है तो फिर हमने इस डायरेक्शन पे जाना है। और यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम वही लिख देते हैं कि गो टू स्टेप नंबर 2, ठीक है। और अगर तो कंडीशन नो मींस के फॉल्स होती है तो फिर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट है और यहाँ पर दो आउटपुट्स हैं, यहाँ पर दो आउटपुट्स हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही आउटपुट जो है वो एक्टिव होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली एक्टिव होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाली एक्टिव होती है, राइट। तो ये एक डिसीजन सिंबल है, इसके अंदर हम डिसीजन स्टेटमेंट्स को इस तरह से इसके अंदर लिखा जाता है। देन हमारे पास एक लास्ट सिंबल है, दैट इज़ द कनेक्टर सिंबल, ठीक है। ये कनेक्टर सिंबल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सिंबल है सर्कल, अ स्मॉल सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओन पेज कनेक्टर। और एक हमारे पास इस तरह से
सिंबल है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ पेज कनेक्टर। ये दोनों कनेक्टर सिंबल्स ही हैं। अब ये ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर से क्या फ़र्क है या दोनों में क्या फ़र्क है? ऑन पेज मतलब क्या है कि हम इस पेज के ऊपर एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ से जब शुरू करने के बाद आगे हमारे पास नीचे जगह नहीं है, लेकिन आगे जगह है, हमने यहीं पर उसको कंटिन्यू किया। तो यहाँ से हमने सपोज इसको डिस्कनेक्ट किया था और हमने यहाँ से इसको यहाँ से हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है। और डिस्कनेक्ट करना अगर हम, क्योंकि ये ओन पेज है, उसी पेज के ऊपर है, तो हमने इसको उस फ्लो चार्ट को यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। हमने उसके अंदर एक नंबर लिख दिया कि हम इसको यहाँ पर 1 पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से दोबारा से उसी फ्लो चार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर अगेन यही कनेक्टर सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और हमने कहा कि 1 के 1 यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था और 1 यहाँ पर ही 1 यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था और 1 जो है यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन पेज एक ही पेज के ऊपर जो है वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑन पेज कनेक्टर सिंबल सेम पेज के ऊपर उसी फ्लो चार्ट की कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होता है। ये ऑफ पेज कनेक्टर जो है, ये सपोज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो फ्लो चार्ट है, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनना है, वो दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन वन सिंगल पेज, तो हमने उसको 2, 3, या 10 पेजों के ऊपर ड्रा करना है। तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो फ्लो चार्ट जो है वो मूव करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि एक पेज के ऊपर एक जब एक डायरेक्शन से वो ख़त्म होता है या उस वहाँ पे वो आगे जगह नहीं रहती, तो वहाँ पर हम एक ऑफ पेज कनेक्टर को कनेक्ट कर लगा देते हैं उसके एंड पर। और जब किसी और पेज पर दोबारा उसी के आगे से हमने इसको कंटिन्यू करना है, तो वहाँ पर हम उसके साथ नंबर लिखकर उसी जो फ्लो चार्ट को जो हमने किसी और पेज पर डिस्कनेक्ट किया था या डिसकंटिन्यू किया था, हम नए पेज पर उसी को हम एक उसी ऑफ पेज कनेक्टर के साथ उसी नंबर के साथ जो हमने प्रीवियस पेज पर हमने सपोज 2 नंबर दिया या 3 नंबर दिया, तो हमने इसको वहाँ पर डिस्कनेक्ट किया और फिर डिसकंटिन्यू किया। फिर हमने उसको किसी और पेज पर उसी 3 नंबर के साथ हमने उसको कंटिन्यू करना है। तो ये एक ऑफ पेज कनेक्टर कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या हैं और ये किस तरह से हमने यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हैं वो डिफरेंट फ्लो चार्ट्स जो हैं, जो आपने प्रीवियसली एल्गोरिदम्स किए हैं, उन सब के फ्लो चार्ट्स जो हैं उन्हीं एल्गोरिदम्स को हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है और इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या हैं, एक फ्लो चार्ट क्या है और डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स क्या हैं।